हेलो छात्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। यह कक्षा 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जान लिया था, आज मात्र सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। वह किस प्रकार करते हैं, पहले तो संख्या रेखा क्या है, एक लाइन लेंगे, इस पर किसी भी नंबर को लिखना हमको, तो मिडिल में क्या होगा आपका, जीरो होगा। राइट हैंड साइड जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होता है। और लेफ्ट हैंड में क्या होगा आपका, ऋणात्मक पूर्णांक। सेम डिस्टेंस लेना है, ये 0, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट हैंड, -1, -2, -3, -5। अब यदि हमको कहा जाए कि संख्या रेखा पर दो का निरूपण करें, 0, 1, 2 ये 0 से लेके ये क्या हो गया मेरा, 2 हो गया। 3 के है, 4 के है, 5 के है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो समझने वाली बात है जो कि आपके पाठ पुस्तक में है वो इस प्रकार का है, 5y2 ये परिमेय संख्या है। इसका निरूपण संख्या रेखा पर किस प्रकार करेंगे इसको हमको जानना है। इसको जानने के पहले सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, 1y2 ये ऐसे कि आपका आधा है, हाँ। भिन्न में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, यदि आपका निरूपण कैसे करते हैं, इसमें इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, एक पार्ट जो वो क्या कहलाता है आपका, आप ये बात हम लोग संख्या रेखा पर भी आके करेंगे। मान लीजिए आपको 1/3 को दर्शाना हो भिन्न भिन्न में ही, पर इसको देख लेते हैं, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, जितना नीचे है उतना बराबर भागों में बांटना है, एक पार्ट होगा तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया मेरा, 2/3। अब विषय वस्तु से हटकर कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं, 2/3 इसका निरूपण करना है। तीन बराबर भागों बांटा हमने और ये दो भाग लिए, ये पार्ट मेरा क्या हो गया, 2/3। ये तो लोग भिन्न में करते हैं, यही सेम चीज हम लोग को संख्या रेखा पे भी करना होगा। वो किस प्रकार करेंगे हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके लिए एक सवाल लेते हैं, वन बाय टू को संख्या रेखा पे निरूपण करना है इसको। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये 0, ये 1, आगे मान लेते हैं इधर 2 हो गया, बड़ा वाले रहे था समझना आसान हो जाएगी, चलते रहेगा ये। अब ये 1/2 जो होगा वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में क्या आधा होगा, तो इसको क्या करेंगे, 1 को 2 बराबर भागों में क्या कर लेंगे हम लोग, बांट लेंगे, और ये पार्ट जो होगा ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, 1/2 होगा। इसी प्रकार मान लीजिए वो 1/3 लेना है, इसको कितने बराबर भागों में बांटेंगे हम लोग,
तीन बराबर भागों बांटेंगे, माने 2/3 लेना आपको, तीन बराबर भागों बांटेंगे, एक दो, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, याद रखना है क्योंकि तीन बराबर भागों में इसको बांटना है, ये वाला यहां से यहां तक आपका ये क्या होगा 2/5। ये तो एकदम ही आसान चीज है। अब जो हम लोग आते हैं वो बात करते हैं इस पे थोड़ा सा सवाल को बदलते हैं। एक सवाल ले रहे हैं हम लोग 5/2। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपण निरूपित करना है तो वो कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम इसको जो क्या करना है, हमको मिस भिन्न में इसको बदलना है। इसको बदलने का तरीका क्या है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 यहाँ पर 2 1/2 क्लास 4-5 में इसके बारे में जानते हैं क्या होता है, 2 + 1/2 इसमें तो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमको लगता है। अब इसका निरूपण हम लोग संख्या रेखा पर करते हैं। ये तो आपका 2 हो गया, 2 से ज्यादा लेना है हमको, तो संख्या रेखा के लिए 0 1 2 3 फिर आ जाते हैं -1 -2 आगे ले सकते। अब हमको क्या करना है, पहले तो 2 0 से यहां तक तुम्हारा 2 हो ही गया है, इसमें हमको ऐड क्या करना है, 1/2 तो ये 1/2 जो पार्ट होगा इसमें ऐड होगा वो, तो नीचे कितने भागों बांटना है इसको हमको, 2 भागों में, तो 2 बराबर भागों में इसको हम लोग बांट लिए। कौन सा भाग लेना है, तो 0 और ये क्या हो गया आपका 1, ये पार्ट आपका क्या हो गया 1/2। तो यहां से 0 से लेके ये पूरा पार्ट, ये जो है मेरा क्या, ये 5/2। हमको लगता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। इस पर आधारित आप लोग कुछ सवाल ले सकते हैं, 7/3, 8/5, 6/5, 12/5। हम लोग धनात्मक संख्या को, धनात्मक परिमेय संख्या को नंबर लाइन या भी कर सकते हैं, संख्या रेखा रेखा पर इसका निरूपण किया है। अब जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या को किस प्रकार संख्या रेखा पर निरूपण करना है इसका। जैसे एक सवाल लेते हैं 7/3 -7/3, तो इसको सर सर ये यदि मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न में क्या करना है हमको बदलना है, ये आपका हो जाएगा 2 + 1/3। ये इसलिए इस प्रकार लिखा गया कि आपको सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसका एक रूप ऐसा हो सकता है -2/-1/3, लेकिन हमको ये समझना है। एक हम लोग नंबर लाइन ले लिए 0 1 2 -1 -2 -3 तो नंबर लाइन पे हम लोग देख ऋणात्मक, तो 2 2 के बाद जो आना है ये आएगा 1/5।
थर्ड इनको क्या करना है, पुनः तीन बराबर भागों में क्या करना है, इसको हमको बांट लेना है। तो ये इधर से बढ़ेगा, ये वन हुआ, ये टू हुआ, ये थर्ड हुआ, ये वन बाय थर्ड हमारा ये हो गया, और यहां से ये जीरो से लेकर यहां तक ये आपका पूरा क्या हो गया, माइनस सेवन बाय थ्री। इस प्रकार हम लोग ऋणात्मक संख्याओं का भी संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।